जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक तरफ से मौसम की मार, दूसरी तरफ चिलचिलाती धूप और तीसरी तरफ भूकंप आने का खतरा और चौथी ओर से एक ऐसा जल प्रलय आने को तैयार जिसकी ऑलरेडी ग्रहों ने तैयारी शुरू कर दी है। यानी आने वाला समय किसी के लिए भी बहुत सही समय नहीं साबित होने वाला। असहज हर इंसान अपने जीवन में अपने आप को महसूस करेगा और ऐसे ही समय में हमें उस एनर्जी की, उस ताकत की ज़रूरत पड़ती है जिन्हें हम कहते हैं ईश्वर, यानी निराकार ईश्वर का वो साकार रूप जो आज कलयुग में भगवान कल्कि श्रीहरि के आखिरी अवतार के रूप में आए हैं, ताकि वो मुसीबत के समय अपने भक्तों की रक्षा कर सकें। आज गली, नुक्कड़, मोहल्ला, देश विदेश हर जगह भगवान कल्कि के भक्त भगवान कल्कि को ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं। अब उनके पास सब कुछ, लेकिन भगवान कल्कि के बिना वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। आने वाले समय में जब भूकंप, सोलार स्टॉर्म का कहर धरती पर छाएगा, तब ऐसे समय में यदि कोई भक्तों की रक्षा कर सकता है तो वो केवल हैं भगवान कल्कि। लेकिन आज भगवान कल्कि भले ही छिप गए हैं, इनविजिबल होकर अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन आज भी उनके भक्त मन में ये आस लगा कर बैठे हैं कि शायद कभी उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान कल्कि उन्हें चाहे किसी भी रूप में हो लेकिन दर्शन अवश्य देंगे। लेकिन दर्शन किसे मिलेगा, ये भगवान कल्कि पर निर्भर है। क्या प्लैनेट्स, जो भी प्लैनेट्स हमारे जीवन में अहम रोल प्ले करते हैं, चाहे वो सैटर्न हो, चाहे जुपिटर हो, चाहे मर्क्यूरी हो, जो भी सैटर्न हैं, जो भी प्लैनेट्स हैं, जो हमारे कुंडली में हमारे लिए एक अच्छा समय या बुरा समय लेकर आते हैं, क्या उनमें से कोई होगा ऐसा जो भगवान कल्कि का साथ देगा? बिल्कुल हाँ। सैटर्न यानी न्याय के देवता, जो कि दंडित करते हैं ऐसे लोगों को जो गलत कार्य करते हैं, भले ही वो दंडित करने का उनका कार्य जरा स्लो प्रोसेस में जाता है, क्योंकि सैटर्न बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इसके अलावा और कौन सा प्लैनेट भगवान कल्कि के मिशन पर अपना इम्पैक्ट डालेगा? दूसरा प्लैनेट है जो कि भगवान कल्कि के मिशन में अपना सहयोग प्रदान करेगा, वो है जुपिटर, यानी देवताओं के गुरु, यानी भगवान गुरु। जुपिटर ग्रह जिसके कारण इंसान के जीवन में सारी चीज़ों को वो अचीव करता है, यदि गुरु देने पर आए तो इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। तो भगवान कल्कि को भी चूँकि सतयुग लेकर आना है धरा पर, इसलिए जुपिटर की बहुत ज़रूरत है। लेकिन पापियों के संहार के लिए उन्हें सैटर्न की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि दंडित करने का कार्य, जस्टिस का कार्य भगवान सैटर्न की तरह कोई और नहीं कर सकता। लेकिन इसके अलावा राहु और केतु जो प्लैनेट्स के अंदर नहीं आते हैं, लेकिन स्वर भानु जिनका मोहिनी रूप लेकर खात्मा किया गया और दो भागों में जिन्हें बांट दिया गया, यानी उस समय भी स्वर भानु और आज भी राहु केतु का रोल, राहु केतु खत्म नहीं हुए, प्लैनेट्स भले ही ना हो लेकिन हर एक के जीवन में राहु और केतु का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। राहु यानी एक ऐसे भगवान जिनको कि आज भगवान माना जाता है, कारण वो भले ही पहले असुर थे लेकिन जब उन्हें अलग अलग राहु और केतु में बांट दिया गया तो केतु यानी स्पिरिचुअलिटी यानी डिटैचमेंट हो जाता है मोह से, और राहु यानी
ऐसे लोगों को उनकी बुद्धि भ्रष्ट करके इस तरह से उन्हें नीचे गिरा देंगे कि वो गलत रास्ते पर चला जाएगा। लेकिन राहु जब देने पर आते हैं, ऐसा नहीं कि सभी के साथ गलत करते हैं, लेकिन राहु जब देने पर आते हैं तो अचानक से वो कैसे दे दें, हार्डवर्क से नहीं मिलता है। राहु यदि मेहरबान तो गलत रास्ते से भी इंसान बहुत कुछ कमा लेता है। यानी गलत जो लोग आज कर रहे हैं उनको तो गलत करवाना ही है। यही है भगवान कल्कि का खेल, जिसे आज आम इंसान सोच नहीं पा रहा है, क्योंकि जब तक पाप पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, पापियों का खात्मा नहीं होगा, तब तक भगवान कल्कि सतयुग की स्थापना कर नहीं सकते, क्योंकि लिंक जुड़ा हुआ है। कलयुग जब तक खत्म नहीं होगा तो एक स्वर्ण युग, सतयुग, एक ऐसा युग जहां हर किसी के जीवन में शांति रहेगी, जहां कोई भागदौड़ नहीं रहेगी, जहां लोग प्योरिटी के साथ एक प्योर सोल की तरह रहेंगे, जहां आपस में सद्भावना होगी, जहां लोग मानव धर्म को समझेंगे, ऐसा समय कैसे भला आ सकता है। इसलिए आज सबको लगता है कि वो खेल खेल रहे हैं, वो दूसरों को चीट कर रहे हैं, वो दूसरों को धोखा दे रहे हैं, वो दूसरों की जायदाद, दूसरों की संपत्ति अपने नाम करवा ले रहे हैं धोखे से, और उन्होंने बहुत बड़ा गेम प्ले कर दिया। नहीं, भगवान कल्कि असल में खेल रहे हैं वो खेल जिसमें आज हर कोई मोहरा बन गया है, और इस खेल में प्लैनेट्स उनके साथ हैं, जैसा कि मैंने कहा सैटर्न एंड जुपिटर, लेकिन इसके साथ मार्स का भी रोल उनके मिशन में रहेगा। मार्स यानी खून, रेड कलर, युद्ध। अब जो युद्ध का समय है, ऐसे लोगों पर, खून खराबा जो हो रहा है, ऐसे लोगों पर मार्स का बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, और मार्स बहुत फास्ट रहने वालों में से है, बहुत धीरे धीरे काम करना उसे पसंद नहीं है। अब कल्कि अवतार का जो मिशन जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ेगा, आप देखेंगे एक्शंस जो हैं वो फास्ट मोड पे आते चले जाएंगे। तो मार्स, सैटर्न एंड जुपिटर, लेकिन इसके अलावा राहु और केतु का रोल भी रहेगा, भले वो प्लैनेट्स नहीं, मैंने जैसे पहले कहा, लेकिन स्वर भानु जो अब दो टुकड़ों में बंटकर राहु और केतु बन गए, तो जो लोग बुराई के रास्ते पर पैसे कमा रहे हैं, आप देख रहे होंगे किस प्रकार नोटों का जखीरा ईडी जाके जब्त कर रही है, सीबीआई की रेड में नोट के पहाड़ मिल रहे हैं, ऐसे लोगों ने गलत कार्य करके नोट को अपने घरों में इकट्ठा किया, मतलब ऐसे लोगों पर राहु का प्रभाव, यानी राहु इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, पाप को लगातार बढ़ाता जा रहा है। केतु क्या करेगा, केतु लोगों को डिटैच करेगा इस माया से और स्पिरिचुअलिटी की राह पर उन्हें आगे बढ़ाएगा, क्योंकि भगवान से यदि इंसान जुड़ेगा नहीं तो वो प्योर सोल, उसके अंदर डिविनिटी कैसे आएगी। तो केतु ये काम करेगा। सैटर्न न्यायाधीश, जो भगवान कल्कि के साथ मिलकर जिन्होंने भी गलत कार्य किया, ये शनि का साल चल रहा है, इसमें ऐसे लोगों का पूरी तरह से खात्मा, यानी वो ज़ीरो पे आ जाएंगे, अगर वो किसी भी बड़े पोस्ट पर हैं और उन्होंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया या अपने कमाए हुए पैसों का उन्होंने गलत इस्तेमाल किया, तो अब ऐसे लोगों का दी एंड होने वाला है। और जुपिटर यानी लोगों को सही राह दिखाएगा, एज अ टीचर वो बताएगा कि अगर गलत किया है तो कहाँ पर गलत किया है और उसे किस प्रकार सुधारा जा सकता है। ये चारों जो हैं मिलकर भगवान कल्कि को बहुत उनके मिशन में सपोर्ट करेंगे। तो इन शॉर्ट कहने का अर्थ मेरे वीडियो में यही है कि खेल रहे हैं भगवान कल्कि, लेकिन लोगों को लगता है वो खेल रहे हैं दूसरों को चीट करने का वो गेम, उनकी धोखाधड़ी किसी को पकड़ में नहीं आ रही है। वास्तव में आज हर कोई भगवान कल्कि के मिशन में जो डिवाइन गेम चल रहा है उसका एक केवल मोहरा बनकर रह गया है, लेकिन भगवान कल्कि के भक्त आज भी उन्हें ढूंढ रहे हैं, न जाने कब किस मोड़ पर, इस आस के साथ ढूंढ रहे हैं कि उनकी मुलाकात भगवान कल्कि से हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।